हेलो गाइस, कैसा आप सब। मैं हूं लॉर्डन, आप देख रहे हैं लॉर्डन गेमिंग। स्वागत आपका हमारे और एक नए माइनक्राफ्ट के वीडियो में। चलिए गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे कमांड्स जिसके साथ आप अपने दोस्त को ट्रोल कर सकते हैं और उन्हें परेशान भी कर सकते हैं अगर हम आप लोग मल्टीप्लेयर खेल रहे हैं। और गाइस वो कमांड मतलब ऐसे भी सर्वाइवल में आप यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा मजेदार है। चलिए गाइस वीडियो को करते चलते शुरू, मगर उससे पहले गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जैसे हमारी कोई भी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए गाइस जल्दी से वीडियो करते शुरू। सो गाइस, पहला जो हमारा कमांड है वो है किल कमांड। सो गाइस, किल कमांड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मैंने बाकी सारे वीडियो में भी बहुत बार इसका नाम लिया क्योंकि गाइस ये बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही अरे कहना क्या चाहते हो, बहुत ही खास कमांड है गाइस। इससे आप कोई भी एंटिटी को, मॉब को या फिर अपने फ्रेंड को भी मार सकते हैं माइनक्राफ्ट में। सो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे एक काव है, चलिए इसको हम लोग मारते हैं बिना टच किए हुए। सो गाइस आपको सिंपली टाइप करना है /kill @ अगर गाइस अपने फ्रेंड्स को आपको मानना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी या फिर उसका नाम। तो गाइस पी आप लिखेंगे तो क्लोजेस्ट प्लेयर मतलब आप ही उसके साथ साथ मर जाएंगे। और गाइस मतलब अपना आप अगर फ्रेंड का नाम लिखते हैं तो गाइस आपका फ्रेंड मर जाएगा। तो गाइस मैं यहाँ पे ई लिख रहा हूँ तो ऑल एंटिटी मर जाएगा। तो गाइस मैं ई लिखा और देखिए गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मर चुका है ये काव और बाकी जो भी यहाँ पे सामने सामने एंटिटी था यहाँ पे नाम लिख के आ रहा है। तो गाइस आप ऐसे करके अपने फ्रेंड को भी इस कमांड से मार सकते हैं। तो गाइस चलिए अपने दूसरे कमांड के ऊपर बढ़ते हैं। सो गाइस हमारा दूसरा जो कमांड है वो भी बहुत मजेदार है गाइस, और उससे आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने दोस्तों को सच में ट्रोल कर सकते हैं और आपके दोस्त मतलब देखते ही रह जाएंगे। सो गाइस आपको क्या करना है कि चैट बॉक्स में जाना है और आपको वहाँ पे लिखना है /effect। सो गाइस ये हम लोग का इफेक्ट कमांड है और इसको आपको लिखना है /effect@s। और गाइस आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अगर अपना स्पीड इंक्रीज करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा स्पीड, फिर आपको लिखना है 225 और फिर से 225। सो गाइस ये आपको लिखने के बाद आपको कर देना है इसको एक्टिवेट। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है गिव स्पीड 225। सो गाइस आप इससे क्या कर सकते हैं, इससे गाइस आपका जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा गाइस। सो गाइस हम थोड़ा मैं इधर क्लिक करूँगा, एक बार के लिए मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कितना ही स्पीड से जा रहा है। मतलब आपका दोस्त यहाँ पे मतलब पीछे मुड़ेगा तब तक आप उसके आगे पहुँच जाएंगे ऐसे करके, और बहुत ज़्यादा स्पीड जाता है गाइस। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये स्पीड चल रहा है। तो गाइस ऐसे करके आप बहुत सारे इफेक्ट ला सकते हैं। अब गाइस चलिए बढ़ते हैं हम लोग को अपने तीसरे इफेक्ट की तरफ। मगर गाइस उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर इसका इफेक्ट क्लियर करना है तो आपको यहाँ पे जाना है और आपको फिर से टाइप करना है /effect@s और फिर आपको टाइप कर देना है क्लियर। सो गाइस ये करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो इफेक्ट था वो नॉर्मल हो चुका है, मतलब आप नॉर्मल स्पीड से जा सकते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि आपका नॉर्मल स्पीड इतना है, मगर पहले इससे पहले जब हम लोग स्पीड इफेक्ट यूज़ किए थे तो कितना ज़्यादा स्पीड बढ़ गया था। चलिए गाइस बढ़ते हम लोग के तीसरे कमांड के ऊपर जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। सो गाइस माइनक्राफ्ट में क्या आपने कभी एंडरमैन देखा है और वो कैसे टेलीपोर्ट करता है वो आपको शायद पता ही होगा। सो गाइस अगर आपको माइनक्राफ्ट में एंडरमैन जैसा बनना है तो ये कमांड आपके लिए। जी हाँ गाइस, ये जो कमांड है वो हम लोग का है टेलीपोर्ट कमांड। अब गाइस टेलीपोर्ट कमांड जो है उससे हम लोग कहीं भी कितने भी दूर डिस्टेंस हो हम लोग टेलीपोर्ट कर सकते हैं। सो गाइस फिर से आपको जाना है चैट बॉक्स में और आपको टाइप करना है /tp। सो गाइस टीपी मतलब टेलीपोर्ट और आपको लिखना है @s। अब कोई सा भी कोऑर्डिनेट आपको लिखना है जहाँ पे आपको करना है टेलीपोर्ट। सो गाइस मैं यहाँ पे 205 मतलब 4 ही लिख देता हूँ और 50। सो गाइस मैंने कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट लिख दिया और गाइस आप देख सकते हैं कि मैं हो चुका हूँ यहाँ पे टेलीपोर्ट। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप होके आ रहा है कि मैं यहाँ पे हो चुका हूँ टेलीपोर्ट। सो गाइस ऐसे आप भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं कहीं भी कितनी भी दूर हो, और अगर आप दोनों में फाइट चल रहा है, आप मल्टीप्लेयर खेल रहे हैं, सो गाइस आप उससे पीछे जा सकते हैं अपने दोस्त के और वहाँ से आपको कर सकते हैं उसको मार सकते हैं। सो गाइस ऐसे इजीली आप कहीं भी हो सकते हैं टेलीपोर्ट। और गाइस ये कमांड सबसे ज़्यादा यूजफुल है जब आप बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे 10,000 ब्लॉक्स हो गया या फिर 1,000 ब्लॉक्स हो गया। सो गाइस आप सिंपली कर दीजिए अपना कोऑर्डिनेट नोट और फिर लिख दीजिए कहाँ पे आपको होना है टेलीपोर्ट और आप इजीली हो सकते हैं वहाँ पे टेलीपोर्ट। सो गाइस बढ़ते हैं हम लोग के चौथे कमांड के ऊपर। सो गाइस क्या आपको माइनक्राफ्ट में बाहुबली बनना है, अगर बनना है गाइस तो ये जो कमांड है वो आपके लिए है। जी हाँ गाइस, ये हम लोग का स्ट्रेंथ कमांड जिसको यूज़ करके आप अपने दोस्तों को या फिर कोई भी मॉब को एक ही शॉट में मार सकते हैं। चलिए गाइस आपको इसमें क्या करना है कि आपको जाना है और आपको टाइप करना है /effect@s/strength। सो गाइस आपको ये करना है टाइप जो मैं कर रहा हूँ और उसके बाद आपको इसको सिंपली कर देना है एक्टिवेट।
सो गाइज ये एक्टिवेट हो जाएगा। सो गाइज इसको आपको लिखना है 100 और फिर स्पेस देकर आपको लिखना है 100। सो गाइज इसको कर देना फिर एक्टिवेट और आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो चलिए गाइज इसको पहले बलि चढ़ाते हैं हम लोग और देखते हैं कितना शॉट में मरता है। सो गाइज आप देख सकते हैं ये एक ही शॉट में मर चुका है और यहाँ पे मैंने विदर रखा है, विदर का स्पॉन करने का सामान रखा है। चलिए विदर को भी स्पॉन करके देखते हैं कि वो कितना शॉट में मरता है। और गाइज मुझे उम्मीद है कि वो एक ही शॉट में मर जाएगा। चलिए गाइज देखते हैं जल्दी से। तो गाइस यहाँ पे हो चुका है विदर स्पॉन और थोड़ा तो यहाँ पे ये तबाही मचाएगा मुझे ये पता है। और ये भाग रहा है मुझसे, मुझे लग रहा है कि ये पक्का भाग रहा है मुझसे क्योंकि इसको पता है कि मैंने स्टैंड कमांड का यूज़ किया। तो गाइस चलिए देखते हैं कितना कितना मरता है। तो गाइस एक हिट लगा इसको मारने के लिए। और गाइस आप देख सकते एक हिट में ये अपना हार कबूल कर लिया कि हाँ भाई मैं हार गया मुझे छोड़ दो। तो गाइस आप देख सकते अभी ये मर जाएगा। और गाइस आप देख सकते बोलते बोलते के साथ ये मर चुका है। और गाइस एक ही हिट में ये मर गया। सो गाइस आप ऐसे ही अपने दोस्तों को भी मार सकते हैं। चलिए गाइज हम लोग अपने पांचवे और लास्ट कमांड के ऊपर बढ़ते हैं। सो गाइज हमारा आखिरी जो कमांड है वो है समॉन कमांड। सो गाइज इस कमांड के हेल्प से आप कोई सा भी एंटिटी हो उसको आप स्पॉन कर सकते हैं अपने होवो वर्ल्ड में, नेदर वर्ल्ड में या फिर एंड वर्ल्ड में। और गाइज ये मतलब ऐसा ऐसा एंटिटी को आप स्पॉन कर सकते हैं कि आपका साथ जो मल्टीप्लेयर खेल रहा होगा आपका दोस्त वो भी चौंक जाएगा। सो गाइज चलिए मैं यहाँ पे आपको स्पॉन करके दिखाता हूँ एक एंडर ड्रैगन। सो गाइज आपको जाना अपने चैट बॉक्स में, टाइप करना है /summon। सो गाइज ये टाइप करने के बाद आपको जो एंटिटी स्पॉन करना है वो आपको कर देना है टाइप। सो गाइज मैं यहाँ पे करता हूँ एंडर ड्रैगन टाइप। सो गाइज आपको एंडर ड्रैगन कर देना है ऐसे करके टाइप। और गाइज उसको कर देना है एक्टिवेट। सो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंडर ड्रैगन हो चुका है स्पॉन। और ऐसे करके आप ऐसे मतलब कमांड यूज़ करके आप कोई सा भी एंटिटी स्पॉन कर सकते हैं, चाहे वो विदर हो चाहे वो कुछ भी हो, आप ऐसे करके इजीली स्पॉन कर सकते हैं गाइज। और आपका जो प्लेयर आपके साथ खेल रहा होगा वो ज़रूर ये एंडर ड्रैगन को देख के चौंक गया होगा। सो गाइज ऐसे करके आप इजीली कोई भी एंटिटी स्पॉन कर सकते हैं। और बाकी जो मैंने कमांड बताए वो भी 100% वर्किंग है। अगर आप माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए खेलते हैं तो वो 100% वर्किंग है गाइज। बाकी एडिशन का मुझे पता नहीं है, आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जैसे हमारे कोई भी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो, क्योंकि हम लोग रोज़ ऐसी मज़ेदार वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।